नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, इन दिनों NREGS के तहत जो सीसी रोड के काम चल रहे हैं, जो ड्रेनेज के जो काम चल रहे हैं, वो काम पूरी तरह से लापरवाही की तरह चल रहे हैं। क्योंकि लापरवाही, अभी हम सीजगांव के ग्राम पंचायत के अंतर्गत में यहाँ बालूगुड़ा है, बालूगुड़ा में बता सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसका काम चल रहा है। ये जो आप रोड देख सक रहे हैं, यह पूरा रोड जो है वो पूरा डुप्लीकेट तरीके से बनाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो सीमेंट है, ये डायमंड सीमेंट है। यहाँ पर तो 53 ग्रेड वाला सीमेंट डालना चाहिए और क्वालिटी क्वांटिटी के साथ में इन रोडों को बनाना चाहिए और भरपूर रकम भी मिलती है। अभी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों में कमांड है। अभी सीतक्का के कोटे से, इंचार्ज मंत्री सीतक्का के कोटे से 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ का काम आया है और 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 40 लाख का काम NREGS के तहत तो भाजपा की तरफ से आया है, यानी MLA विधायक पायल शंकर की तरफ से आया है। अभी पूरे मंडल में ये 4.5 करोड़ के लगभग ये NREGS के तहत जो काम आया है, वो काम में किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन इसमें AE का भी कोई सुझाव नहीं है और AE यहाँ पर आकर देखते भी नहीं है कि किस तरह से काम चल रहा है। अभी देखिए, ये सब गांव के महिलाएं हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं कि हम जो 2-3 साल से बिना रोड के ही थे, वो वैसी रोड हमको रहने देना था, लेकिन ये जो रोड डाली गई है इस पे सिर्फ डुप्लीकेट काम कर और एकदम कल रात में रोड डाली गई है और आज सुबह ये रोड उखड़ने भी लग रही है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। अभी मंडल में तो सभी तरफ से तो ऐसी काम की जो आवाज़ें आ रहे हैं, वो आवाज़ें गूंजते आ रहे हैं, यानी NREGS के काम में कोई मजबूती नहीं है और उस काम में कोई ऑफिसर भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि दिलचस्पी ले रहे हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि को पता है कि उनको कमीशन आता है, गुत्तेदार को दे देते हैं और गुत्तेदार किस तरह से लापरवाही से काम करता है उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उन जो जिसके नाम पर ये वर्क आता है, जिसके नाम पर ये काम आता है, उनके सिर्फ जेब गर्म हो रहे हैं। क्योंकि उनको 10% से 15% मिल जाते हैं, फिर उसके बाद में गाँव जाने, वो रोड जाने और गाँव वालों की हालत जाने, यानी इस तरह से बेला मंडल के अंदर ये काम चल रहे हैं। आगे के भी विजुअल हम आपको बताएंगे कि क्या किस तरह से ये डुप्लीकेट सीमेंट डाल रहे हैं और कम तरता वाला गिट्टी डाल रहे हैं और इसमें रेती भी लोकल की लगा रहे हैं। जिस तरह से लागत से लगने वाला जो रोड है, इतना प्यारा रोड बनता है क्योंकि उसकी जो उम्र होती है वो 10 से 15 साल होती है, लेकिन इस तरह से काम करने के बाद में अब ये रोड की बताइए उम्र क्या होगी, यानी 1 से 2 साल तक ही ये रोड टिकेगा। फिर बाद में जैसे जो निवासी होते हैं उनको वही त्रास चलने के लिए बनाया जाएगा, हो जाएगा। धन्यवाद, पर आप बने रहेगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। खराब होता है।
आजच खराब होत आहे ना, डुप्लिकेट चिमी टाकले नाही टाकले असते तरी परवडत होता, सार लागन तर लबाड असन तर या पाहले नाव ना डुप्लिकेट आहे। आता आताच निघत आहे तर पुढे राहायचे का सर? चाल झाले तर नाही आला डोरा तर आम्ही चांगलंच राहत होते। आता रोड आला म्हणून टाका लावले तर हे डुप्लिकेट रोड टाकत आहे, गरीबापाशी असेच राहते का सर? आमच्या गावात काहीच नाही येत आहे, रोड आला तर असे डुप्लिकेट रोड टाकत आहे। ఏది మంచిగా చేయలేదు, అది కూడా సగం నే వేసిండు, ఎంత చెప్పినా వినలేదు మా మాట, అది కూడా తోడు కూడా మంచిగా చేయలేదు, మొత్తం సిమెంట్ మొత్తం డూప్లికేట్ కూడా డూప్లికేట్।